आज हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे जिससे कि आप डिज़ाइन को पंच कर सकते हैं। F2, F3, F4, F5 में इसका आपको आउटर लुक बताऊंगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जैसे आप इसमें कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, टाँके की लेंथ कितनी रखनी पड़ती है, डेंसिटी कितनी रखनी पड़ती है, इत्यादि आपको पता लग पाएगा। आज हम आपको नॉर्मल वे में बता रहे हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। सबसे पहले आप जाएंगे न्यू में, यहाँ से आप अपनी स्कैनिंग इमेज को सिलेक्ट करेंगे। आज अभी तक हमने आपको F2 के बारे में पूरी डिटेल दी थी, अब हम आपको F3 के बारे में डिटेल दे रहे हैं। ये आपकी स्कैनिंग इमेज खुल गई है, ये मैंने इंटरनेट से ली हुई इमेज है, आप भी इसको इंटरनेट से कॉपी कर सकते हैं या स्कैनिंग फाइल आप स्कैन करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इधर जाएंगे F3 में, F2 में आपको बता चुका था, F2 एक बार फिर दोबारा बता देते हैं आपको। F2 लेंगे यहाँ से, यहाँ से आप डिजिटाइजिंग लेंगे। डिजिटाइजर लेने के बाद में इसको बराबर दूरियों पे लेफ्ट हैंड साइड माउस के बटन दबाकर आप यहाँ से चलते चलेंगे। ऐसे ही पूरे इसको पूरा पंच करने के बाद में पॉइंट मारते जाएंगे। मैं आपको आज F2, F3, F4 का मैं आपको यूज़ बताऊंगा। आप लोग इसकी ध्यान से प्रैक्टिस करें। अभी F3 के टांके डाल रहा हूँ मैं, इसमें नोट डाल रहा हूँ F2 के। F2 के अंदर में क्या होता है, मैनुअल स्टिच होता है, जहाँ आप इसका टांका मारेंगे वहीं तक इसका टांका अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा। और F3 के अंदर में क्या होता है कि हम एक टांका यहाँ मारेंगे, एक यहाँ मारेंगे, इतनी दूरी पर अगर हम टांका मारते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली कर्व के साथ में स्टिचेस बनाता है। मैनुअल में जहाँ आप टांका ड्रॉप कर देंगे वहीं पर आपका परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा। जैसा कि ऐसा हम करते जाएंगे, बराबर दूरियों पर मारते जाएंगे, इससे आपकी F2 की प्रैक्टिस ठीक ठाक सी हो जाएगी दो चार डिज़ाइन बनाने के बाद। इस तरह से आप चलते जाएंगे, लास्ट में जाके टांका यहीं पे आके मिल जाएगा और पूरा एक सिंगल डिज़ाइन बन जाएगा। अभी मैं इसको आपको यहीं तक दिखा रहा हूँ, इस तरह आप इसकी कंटिन्यूटी के साथ में मारते जाएंगे। जब लास्ट में टाँका आपका यहाँ 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 आ जाएगा, या हम इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, बैक स्पेस से आप इसके टाँकों को वहीं पे पहुँचा देंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था। बैक स्पेस से हम इन टाँकों जो हमने नोट मारे होते हैं उनको हम वापसी करते हैं। वापस करने के लिए हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, बैक स्पेस का, नोट हटाने के लिए। ये चलते जाएंगे हम इस तरह से कंटिन्यूटी के साथ, चलते जाइए। इसमें बहुत लंबे टांके नहीं मारेंगे, छोटे छोटे टांके मार के ही आप इसको पूरा करेंगे, क्योंकि इससे आपके हाथों की प्रैक्टिस होती है। इसे कंप्लीट करते जाएंगे इस तरह से। इस पॉइंट में पहुंचते जाएं, धीरे धीरे चलते जाएं आप। दोस्तों जैसे जैसे आप इस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके फंडे क्लियर होने के बाद आप इसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन डेवलप कर पाएंगे। डेवलपिंग के अंदर में यही मेन होता है कि आप इसको ध्यान से देखें सॉफ्टवेयर को, कि मैं इसमें क्या क्या टूल्स और कैसे कैसे चला रहा हूँ। अब देखिए ये मैं F2 से कंप्लीट करने वाला हूँ, थोड़ी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये टक टक की जो स्पीकर की आवाज़ हो रही है, ये हम चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, इसका ऑप्शन होता है। फ़िलहाल आप इसको चला के ही बनाएं, आपको आइडिया भी होता है कि आप कौन सा टाका कहाँ पे मार रहे हैं। जैसे जैसे इसको कंप्लीट करते जाएंगे, ये अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ चलता जाएगा, जहाँ पर इसका जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, लास्ट में जाके ये उसी जगह पर ही टच कर जाएगा। अभी आप देखते जाइए प्लीज़। दोस्तों ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सीखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे हम इसको आगे कंप्लीट करते जाएंगे अपना कोर्स, आपको ये आसान लगने लगेगा। लेकिन इसके लिए बशर्त आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस इसका रेगुलर करते हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति
विंग्स एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहता है या लेना चाहता है तो हमसे संपर्क करें, हम उसको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए आप देखते जाइए, इसको लास्ट स्टेज पे पहुंचता जा रहा है ये टाँका। एक एक टाँका मैं F2 से मारता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट टाँका आता है, इसमें कर्व कमांड नहीं होती, डायरेक्टली ये स्ट्रेट स्ट्रेट टाँका मार के ही ये कर्व उस डिज़ाइन को बनाता है। लेकिन इसमें लंबे टाँके ना मार के हम छोटे इसमें ड्रॉप्स मार रहे हैं, जिससे कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए। आप देखते जाइए F2 का कमांड चल रहा है, F2 से एक बार हमने स्टार्ट कर दिया। कंटिन्यूटी के साथ में इसमें स्टिच मारते जाओ। ये ब्लैक लाइन के ऊपर में हमने रेड कलर इसमें चूज़ किया हुआ, रेड कलर से इंसान के तौर पे एक 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 पॉइंट आप इसमें रेडी करते जाइए। लास्ट में जाके जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं मिलेगा, मैंने वहीं मिला दिया इसको। तो ये आपका डिज़ाइन एक F2 से तैयार हो गया। P दबाने पर आप देखते हैं क्या चीज़ बनी हुई है आपकी। ठीक है दोस्तों, सेव कर लेते हैं इसको, या सेव नहीं भी करना तो हम चेंज करते हैं। ये हो गया, प्रीव्यू हटा देंगे तो हमें नॉर्मल स्कैनिंग इमेज दोबारा वहीं आ गई। इसी प्रकार से F3 लेंगे, या तो कीबोर्ड के ऊपर में दिए गए F2, F3, F4 में से F3 दबाएंगे, तो ये और इस टूल का डिजिटाइज़र दोनों मिलके आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर F3 दबा रहा हूँ कीबोर्ड से, F3 मैंने दबाया। अब यहाँ से इसमें क्या होता है, दो तरह के पॉइंट होते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ये कर्व की तरह चलता है, कर्व चलता है। और अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पर अभी तक मैनुअल में क्या होता था, हम छोटे छोटे टाँके मार के चलते थे, हम यहाँ लंबे लंबे टाँके मार के चल रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइन बिल्कुल कर्व चल रहा है। अब मुझे यहाँ से कॉर्नर बनाना है तो शिफ्ट दबा के हमने इसके अंदर में इसको आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे कॉर्नर आया, कॉर्नर में शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे कर्व करते जाएंगे। कर्व के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड माउस का बटन दबेगा और स्ट्रेट करने के लिए शिफ्ट प्लस इसमें लेफ्ट हैंड साइड के माउस से क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेट बन जाता है ऑटोमेटिकली से। F3 आप देख सकते हैं इसको, ये कर्व लाइन अपने आप आती जा रही है इसके अंदर में। और मेरे से कोई नोट गलत लग जाता तो बैक स्पेस दबाने पर हम इस नोट्स में वहीं पहुंच सकते हैं जहां तक हमारा ख़राब हुआ है या गलत नोट हमसे लग गया है। मुझे कॉर्नर पे जाके मैं शिफ्ट दबाता हूं, शिफ्ट दबा के पॉइंट करता हूं और वैसे मैं नॉर्मल वे में इसको चलाता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे स्ट्रेट लेना है, स्ट्रेट लेने के लिए मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट दबाया और स्ट्रेट के साथ में ये ऊपर कर्व चल रहा है, कर्व के साथ बनाता जा रहा हूँ मैं इसको। शिफ्ट दबाया यहाँ पर, स्ट्रेट किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, स्ट्रेट किया। कर्व 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 स्ट्रेट, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, कर्व कर्व स्ट्रेट, कर्व 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 स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, कर्व स्ट्रेट कर्व स्ट्रेट 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 कर्व कर्व। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं धीरे धीरे करके इस डिज़ाइन को सेम वैसे ही डायरेक्शन में जैसे F2 में हमने चलाया था, छोटे छोटे स्टिचेस मारते हुए हम या छोटे छोटे पॉइंट हम पंच करते हुए आगे जा रहे थे, इसके अंदर हमने कहीं कुछ नहीं किया, सीधा एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट दूर, एक पॉइंट एक वन मतलब दूर दूर पॉइंट मार कर भी हमने अपनी इसकी शेप अपने आप ले ली। इसमें दो तरह के नोड होते हैं, पहला होता है ग्रीन नोड। ग्रीन नोड ये बताता है कि डिज़ाइन आपका कर्वेचर है, और इसमें स्ट्रेट नोड है रेड कलर का जो आपका ये बताता है कि यहाँ पर आपको सीधा या यहाँ से मुड़ना है। ये मैंने आपको इसको उसी वहीं जगह पहुँचा दिया। आप अगर देखें मैं कितने लंबे लंबे पॉइंट मार के चल रहा हूँ, ये हो गया,
लेफ्ट हैंड साइड से पूरा डिज़ाइन एक टाँका जहाँ से चले थे वहीं पे वापस पहुँच जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के तीन बार माउस क्लिक करेंगे। तीन बार माउस क्लिक करने का मीनिंग होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे F3 से कुछ चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, जब हम पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम के अंदर में जब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का माउस बटन दबाते हैं तो ये पूछता है आपसे इसमें कोई और पार्ट जोड़ना है। अगर आप इसमें कोई पार्ट जोड़ते हैं तो वो इसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा छोड़ूंगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये दोबारा पूछ रहा है कि इसके साथ कोई पार्ट जोड़ना है। नहीं जोड़ना, तो एक बार और इसको दबाएंगे। ये आपको एंड पॉइंट पूछेगा कि लास्ट पॉइंट ख़त्म कहाँ करना है डिज़ाइन। मैंने को यहाँ ही ख़त्म करना है तो मैंने यहाँ पर ही ख़त्म किया। तो इस तरह से टूल इससे अलग हट जाता है और फिर इसके बाद क्लिक कर देंगे तो ये पार्ट छूट जाएगा। पी दबाने पे आप इसको देखेंगे ये पार्ट ऑटोमेटिकली इसके जुड़ गया, ऐड सेक्शन हो गया। ऐड सेक्शन करने के लिए हमने इसमें चला के दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से देखिए हमने स्टार्ट भी यहीं से रखा था, ऑटोमेटिकली एंड भी हमने यहीं किया, हमें ना कट पेस्ट करना ही नहीं पड़ा। तो ये इसका तरीका होता है दोस्तों, जिससे कि हम यहाँ पर ये बनाते हैं। अभी आज आपने F2 से डिज़ाइन को कैसे पंच करते हैं ये देखा, और F3 से पंच कैसे करते हैं ये देखा। आप अभी लोग इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, कल हम या अगले वीडियो के अंदर में हम आपको इसका F4 F5 का ऑप्शन बताएंगे। F4 सेंटेंसेस कैसे अप्लाई किया जा सकता है और स्टेप एचेस कैसे अप्लाई किया जा सकता है ये आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।